हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के बारे में। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, ठीक। मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं, ठीक। प्राचीन काल से मध्य प्रदेश में कितने महाजनपद पाए जाते हैं? तो तीन, अवंती, चेदी, वत्स। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम किस वंश ने शासन स्थापित किया था? याद रखिए, हे वंश। मगध के प्रसिद्ध शासक का नाम बताइए जो विद्योत के समकालीन थे। तो याद रखना है आपको, बिम्बिसार। मध्य प्रदेश के किस जिले से अशोक की राजकुमारी सम्मति संबंधित हैं? विदिशा। मध्य प्रदेश में अशोक के कितने स्तूप पाए जाते हैं? चार, सांची, बरहट, विदिशा, भोजपुर। कालिदास का संरक्षण करने वाला वाले विदिशा के राज्यपाल का नाम बताइए। तो ये था अग्निमित्र। किसके शासनकाल के दौरान यूनानी राजदूत हेलीडोरस ने दौरा किया था मध्य सुंग? विदिशा का गरुड़ स्तंभ किसने बनवाया? हेलीडोरस ने। मध्य प्रदेश में अशोक के कितने शिलालेख पाए जाते हैं? चार, रूपनाथ जबलपुर में, गुर्जरा, दतिया, सरोमारो, शहडोल और पनगारा, सीहोर। राजा मिहिर भोज किस वंश के थे? तो आपको याद रखना है, गुर्जर प्रतिहार वंश। मालवा सल्तनत के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? दिलवाड़ा खान लोधी को। मध्य प्रदेश के किस शहर को आनंद नगरी के नाम से जाना जाता है? तो आपको याद रखना है, मांडू। बाज बहादुर को किस युद्ध में मुगल सेना ने हराया था? सारंगपुर का युद्ध। मध्य प्रदेश का कौन सा शहर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान झंडा सत्याग्रह के लिए प्रसिद्ध है? जबलपुर। किस घटना को मध्य प्रदेश के जलियांवाला बाग की घटना के रूप में जाना जाता है? चरण पादुका नरसंहार को। प्रसिद्ध क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद किस जिले से संबंधित थे? अलीराजपुर। विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व किस शासक से संबंधित थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। किसके शासनकाल में मालवा को मुगल साम्राज्य के अधीन लाया गया? अकबर। किस शहर को राज्य की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? जबलपुर। उनासा वन मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में पाया जाता है? निवाड़ क्षेत्र में। मध्य प्रदेश के किस व्यक्तित्व को भारतीय रूबिन हुड के नाम से जाना जाता है? टंड्या भील को। किस राज्य के साथ मध्य प्रदेश की सबसे छोटी सीमा साझा करता है? गुजरात के साथ। मध्य प्रदेश के भौगोलिक विस्तार में उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम सीमा कितनी है? तो पूर्व से पश्चिम है 870, उत्तर से दक्षिण है 605 किलोमीटर, ठीक है। मध्य प्रदेश के राज्य चिन्ह में कितने स्तूप पाए जाते हैं? तो आपको बात है ना, 24। मध्य प्रदेश की राज्य मछली का नाम बताइए जिसे टाइगर ऑफ वाटर के नाम से जाना जाता है? यह महासीर, नर्मदा मेमला। मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटे जिले का नाम बताइए। तो क्षेत्रफल के अनुसार दतिया है, जनसंख्या के हिसाब से हरदा। लेकिन आपको बता दें, अभी करंट में जो 2018 अक्टूबर में निवाड़ी जिला बना है टीकमगढ़ से अलग करके, ये क्षेत्रफल में भी सबसे छोटा है और जनसंख्या के मामले में भी सबसे छोटा है, याद रखिए। मध्य प्रदेश यूपी के साथ कितने जिलों में साझा करता है? 12 सीमा। मध्य प्रदेश के नवीनतम संभाग का नाम बताइए। तो ये शहडोल। मध्य प्रदेश के कितने जिलों को कर्क रेखा स्पर्श करती हुई गुजरती है? तो आपको रखना है याद, 14 जिले। और याद रखिए, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक है। मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है। सद्भावना शिखर किस पर्वत श्रृंखला में पड़ता है? तो याद रखना है, विंध्य रेंज, दमोह जिले में। न्यूनतम वर्षा किस जिले में होती है? तो याद रखना है, भिंड जिले में।
मध्य प्रदेश के किस संभाग में सबसे अधिक जिले शामिल हैं? तो आपको बता देना है जबलपुर। जबलपुर और इंदौर में आठ आठ जिले हैं, लेकिन आयोग ने जबलपुर मानता है। उस मिट्टी की विविधता का नाम बताइए जो पूरे राज्य में सबसे ज्यादा है। तो आपको बता देना है काली मिट्टी। मध्य प्रदेश का नया जिला निवाड़ी किस जिले से बना है? टीकमगढ़ से अलग होगा। मध्य प्रदेश का अलीराजपुर जिला किन दो राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो याद रखिए राजस्थान और गुजरात। मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। तो यह सिगार। इंदौर के पास पीतमपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? याद रखिए ऑटोमोबाइल। मध्य प्रदेश में शुद्ध बुआई क्षेत्र में कितनी सिंचाई की जाती है? 66%। मध्य प्रदेश के किस स्थान को वास्तुकला के मक्का के रूप में जाना जाता है? खजुराहो को। मध्य प्रदेश के पहले दैनिक समाचार पत्र का नाम बताइए। तो यह मालवा अखबार। एशिया का सबसे बड़ा पनीर बनाने का कारखाना किस स्थान पर स्थित है? आपको बता देना है खजुराहो। भोपाल के भारत भवन को किसने डिजाइन किया था? चार्ल्स कोरिया। मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरला गेवाल। मध्य प्रदेश के लिए संसद में एसटी के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? 6, और एससी के लिए है 4। ठीक। और मध्य प्रदेश की विधानसभा में एससी के लिए है 47 और एससी के लिए है 35। ठीक है। नर्मदा नदी पर बरगी बांध का नाम किस शख्सियत पर के नाम पर रखा गया है? तो यह रानी अवंतीबाई जी के। राज्य के सबसे ऊंचे झरने का नाम बताइए। तो यह चचाई जलप्रपात है रियर नदी पर, जो टोंस की सहायक नदी है। मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक आबादी वाला है? मालवा। मध्य प्रदेश की कौन सी नदी मध्य प्रदेश की दक्षिण सीमा बनाती है? ताप्ती। बुंदेलखंड क्षेत्र या भांडेर कैमूर पर्वतमाला की सर्वोच्च शिखर का नाम बताइए। तो यह सिद्ध बाबा पहाड़िया 1171 मीटर। मध्य प्रदेश के किस जिले में द ग्रेट इंडियन वस्टर्ड पाया जाता है? तो शिवपुरी करेरा परीक्षा पक्षी अभयारण्य में। बघेलखंड क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी प्रमुखता से पाई जाती है? लाल और पीला। मध्य प्रदेश का एकमात्र मौसम वेधशाला किस शहर में पाया जाता है? आपको बता देना है इंदौर। राजपीपला पहाड़ियाँ किस प्रमुख पर्वत श्रृंखला में आती है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में। मध्य प्रदेश राज्य के भीतर से नर्मदा नदी कितने जिलों में बहती है? 15। चुलिया फॉल्स किस नदी पर बनता है? चंबल। मध्य प्रदेश में किस वर्ष में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई थी? 2010। 24 घंटे बिजली की आपूर्ति प्राप्त करने वाला मध्य प्रदेश के पहले जिले का नाम बताइए। तो यह जबलपुर। बिछिया नदी किस शहर के तट के किनारे स्थित है? बिछिया नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? रीवा। माता टीला बांध किस नदी पर बनाया गया? बेतवा। मध्य प्रदेश की सीमा में भारत का कितना वन क्षेत्र आता है? 12%। राज्य में कितने वन बेत बनते हैं? 16। किस वन बेत में सर्वाधिक आरक्षित वन है? खंडवा। मध्य प्रदेश में सबसे बड़े वन प्रभाग का नाम बताइए। मंडला। किस जिले को मध्य प्रदेश के आमला जिले के रूप में जाना जाता है? पन्ना। मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान राष्ट्रीय बाघ परियोजना के अंतर्गत थे? अभी 6। भारत का पहला सौर ऊर्जा पार्क किस स्थान पर पाया जाता है? गणेश्वरपुर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? यह नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य। कौन सी प्रजाति मध्य प्रदेश में अस्तित्व परियोजना में अंतर्गत आती है? गिद्ध। मध्य प्रदेश द्वारा देश के सोयाबीन का कितना प्रतिशत उत्पादन किया जाता है? 62%। मध्य प्रदेश में अंगूर के लिए कौन सा प्रसिद्ध शहर है? रतलाम। किस क्षेत्र को गेहूं का भंडार कहा जाता है? मालवा। कपास के उत्पादन में मध्य प्रदेश की रैंक क्या है? तीसरी। मध्य प्रदेश ने किस वर्ष में अपनी जैव ऊर्जा नीति जारी की? 2011। ऑप्टिकल फाइबर उद्योग कहाँ स्थित है?
मंडीदीप, रायसेन। टंगस्टन के उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? होशंगाबाद। मध्य प्रदेश के किस शहर में इसरो की सुविधा स्थित है? भोपाल। मध्य प्रदेश के पॉल्ट्री उत्पाद का नाम बताइए जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है। यह कड़कनाथ मुर्गे। किस शहर में परमाणु बिजली घर बनाया जा रहा है? मंडला में। रक्षा वाहन कारखाना किस स्थान पर स्थित है? जबलपुर में। मध्य प्रदेश सरकार की पहली पन बिजली परियोजना का नाम बताइए। तो यह गांधी सागर बांध परियोजना। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? 1,077 किलोमीटर। प्रभाष जोशी पुरस्कार किस खेल के लिए जाना जाता है? मलखम। मध्य प्रदेश फड़के स्टेडियम किस जिले में स्थित है? धार में। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कालिदास सम्मान में पुरस्कार के रूप में दी जाने वाली धनराशि क्या है? 2 लाख रुपए। किस राज्य के लिए विविध संस्कृति का गलनांक शब्द का उपयोग किया जाता है? मध्य प्रदेश। प्रसिद्ध अजयगढ़ किला मध्य प्रदेश के किस जिले का एक हिस्सा है? पन्ना। कुमार गंधर्व पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? संगीत से। इकबाल पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए स्थापित किया गया? उर्दू लेखन। मध्य प्रदेश का के सबसे लंबे राज्य राजमार्ग का नाम बताइए। H-19। उस्ताद आमिर खान किस क्षेत्र से जुड़े हैं? ख्याल गायन। मध्य प्रदेश में ऑल इंडिया रेडियो के कितने स्टेशन हैं? 5। तेजाजी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? गुना, बेहमबाद, बेहनवाद में। लाख कला मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? नेवाड़। अलाउद्दीन संगीत समारोह किस स्थान पर होता है? मेहर में। मध्य प्रदेश के उस विशिष्ट चरित्र का नाम बताइए जिन्हें भारतीय आत्मा के रूप में जाना जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी। बधाई किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है? बुंदेलखंड। खम्ब स्वांग किस आदिवासी समूह द्वारा किया जाता है? कोरकू जनजाति द्वारा। आगे बात करते हैं। खम्ब एवेस्टोस बहुतायत में मध्य प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? झाबुआ में। उस जिले का नाम बताइए जहां उद्योगों की संख्या सबसे ज्यादा है? धार में। किस जिले में अधिकतम कार सहभागिता दर्ज की गई? डिंडोरी में। मध्य प्रदेश के किस जिले में अधिकतम भूपृष्ठ जल है? होशंगाबाद। कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग राज्य को पार करते हैं? 20। किस जिले में कुरंड पाया जाता है? पिपरा, सिंगरौली में। मध्य प्रदेश के उस जिले का नाम बताइए जो रतन जोत की खेती करता है जिसका इस्तेमाल बायोडीजल तकनीक में किया जाता है? इंदौर। मध्य प्रदेश के पहले ताप विद्युत केंद्र का नाम बताइए? चांदनी पावर स्टेशन नेपानगर बुरहानपुर में है। बाण सागर बांध परियोजना किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? एमपी, यूपी, बिहार। एकलव्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल में। अंडर 19। मध्य प्रदेश का कौन सा गांव बायोगैस से बिजली बनाने का पहला गांव? करसड़ गांव, बैतूल। भोपाल की रहने वाली वर्षा बर्मन ने 2014 एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीता था। वह किस खेल से जुड़ी है? शूटिंग। भोपाल का इस्पात स्टेडियम मुख्य रूप से किस खेल से संबंधित है? हॉकी। मध्य प्रदेश के उस खिलाड़ी का नाम बताइए जो बाद में पाकिस्तान की हॉकी टीम का कप्तान बना? तो यह लतीफ अनवर। मध्य प्रदेश का दक्षिणी जिला कौन सा है? बुरहानपुर। आदिवासी आबादी किस जिले में सबसे अधिक पाई जाती है? झाबुआ में। तवा नदी किस नदी किस प्रमुख नदी की सहायक नदी है? नर्मदा की। मध्य प्रदेश राज्य में सबसे कम तापमान किस स्थान पर दर्ज किया गया? पचमढ़ी। मध्य प्रदेश में चौमासा नाम का प्रयोग किस मौसम के लिए किया जाता है? सर्दी के लिए। मध्य प्रदेश की कौन सी नदी अपने अधिकांश मिट्टी के कटाव के लिए जिम्मेदार है? चंबल। किस नदी के मध्य प्रदेश की गंगा के रूप में जाना जाता है? बेतवा को। छिप्रा नदी किस स्थान से निकलती है? ककरवर्डी हिल्स से। भारत के किस राज्य में अधिकतम संख्या में नदियां बहती हैं? तो मध्य प्रदेश में। इसलिए मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहते हैं।
मध्य प्रदेश की किस नदी को सूर्य देवी की पुत्री के रूप में जाना जाता है? ताप्ती नदी को। सम्राट अशोक सागर परियोजना किस नदी पर बनाई गई? हलाली नदी। मध्य प्रदेश के नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताइए, तो यह ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान खंडवा। माधव राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में पड़ता है? माधव राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में पड़ता है? शिवपुरी में। डायनासोर और जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थापित किया गया जाना प्रस्तावित है? धार में। अधिकतम कृष्ण मेघ मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में। सैलाना पक्षी अभ्यारण्य किस पक्षी के संरक्षण के लिए स्थापित किया गया है? खरमौर पक्षी। हाल ही में एशियाई बाघों को मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य में स्थानांतरित किया गया था? पालनपुर कूनो अभ्यारण्य। गोकुल पाठा लोकगीत मध्य प्रदेश के किस आदिवासी समूह के बीच प्रसिद्ध है? मुड़िया। किस शहर में ध्रुपद उत्सव का आयोजन किया जाता है? भोपाल। मंदसौर की किला किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। हवा महल किस किले का एक हिस्सा है? चंदेरी का किला। आदिवासी फिल्म महोत्सव किस शहर में आयोजित किया जाता है? इंदौर में। इंदौर की सिरपुर झील को किस वर्ष पक्षी अभ्यारण्य बनाया गया? 2011। राज्य का नाम देने का श्रेय किसे दिया जाता है? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। याद रखिए, राज्य का नाम देने के लिए किसे दिया जाता श्रेय किसे दिया जाता है? तो जवाहरलाल नेहरू को। मध्य प्रदेश की पहली ई पंचायत है सोनार खेड़ी धार। राज्य की प्रथम महिला न्यायाधीश हैं सरोजनी सक्सेना जी। मध्य प्रदेश एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र किस स्थान पर है? उज्जैन। एकमात्र कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय कहाँ स्थित है? जबलपुर। मानव विकास की दृष्टि से देश में मध्य प्रदेश की रैंक क्या है? 12वीं। सर्वाधिक शुद्ध कृषि उत्पादक वाले जिले का नाम बताइए, उज्जैन। राज्य में टेलीफोन सेवा किस वर्ष शुरू की गई? 1974 सितंबर से। पवन ऊर्जा उत्पादन संयंत्रों की अधिष्ठापन में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? मध्य प्रदेश। अंधों का हाथी मध्य प्रदेश के किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व का अर्थ है? सरद जोशी। गुजरी पैलेस संग्रहालय किस स्थान पर स्थित है? ग्वालियर। दुलदुल घोड़ी नृत्य किस आदिवासी समूह द्वारा किया जाता है? सहरिया जनजाति। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्य सचिव का नाम बताइए, तो सुधीर रंजन मोहंती। हाल ही में विधानसभा चुनाव में कितनी महिला उम्मीदवार चुनी गई? 17। अभी 15वीं विधानसभा के जो चुनाव हुए दिसंबर में 2018 में, इसमें 21 महिलाएं चुनी गई, याद रखिए। मध्य प्रदेश की किस नदी को भारत की सबसे कम प्रदूषित नदी के रूप में जाना जाता है? चंबल। मध्य प्रदेश में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं? 3। खजुराहो सांची का स्मारक भीमबेटका। बाघों की संख्या में मध्य प्रदेश का क्या स्थान है? प्रथम। दूसरे पे कर्नाटक। मध्य प्रदेश के किस जिले से आकांक्षा परियोजना शुरू की गई थी? डिंडोरी। मध्य प्रदेश का महालेखा का कार्यालय कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। चलिए, तो ये तो कुछ महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश से संबंधित सामान्य ज्ञान के प्रश्न और उनके उत्तर।